अब तक 473 पीपल रिकवर होके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। टोटल कंफर्म्ड संख्या अगर हम देखें तो देश में 5,734 5,734 कंफर्म केसेज आए हैं एंड लास्ट डे से अब तक 549 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। टोटल 166 डेथ रिपोर्ट हुई हैं जिसमें से 17 डेथ सिंस वन डे सिंस यस्टरडे हैव बीन रिपोर्टेड। रेलवेज ने इस चैलेंज से निमटने के लिए 2,500 से अधिक डॉक्टर्स और 35,000 पैरामेडिक स्टाफ को भी कोऑर्डिनेट करके ईयरमार्क करके डिप्लॉय किया है। उनकी चेन ऑफ 586 हेल्थ यूनिट्स 45 सब डिविजनल हॉस्पिटल्स 56 डिविजनल हॉस्पिटल्स 8 प्रोडक्शन यूनिट हॉस्पिटल्स और 16 जोनल हॉस्पिटल्स के तहत वह उनका फैसिलिटीज का सिग्निफिकेंट पोर्शन कोविड 19 से निमटने के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। इसके साथ ही रेलवेज के लेवल पर 80,000 आइसोलेशन बेड्स बनाने के तहत 5,000 कोचेज वो कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें से 3,250 कोचेज अब तक कन्वर्ट की जा चुकी हैं। इतना तो आप समझ रहे हैं, सभी जान रहे हैं कि झारखंड अभी बहुत बड़े चपेट में नहीं आ पाया है, लेकिन संभावना तो बनी रहती है। अभी तक जो मुझे ज्ञात है 4 ही संक्रमित लोग मिले हैं, बाकी टेस्ट चल रहा है, तो अभी स्थिति भयावह नहीं है ऐसा कहेंगे, लेकिन भविष्य में क्या उभरेगा ये कहना मुश्किल है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी लॉकडाउन हो गया है। इस तरह से कोई आर्थिक गतिविधि नहीं चल रही है, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, ट्रेड नहीं चल रहे हैं, व्यापार बंद है लगभग। किसानों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। सब्जी उगाने वाले किसान हमारे हैं, उनको खरीदार नहीं मिल रहे हैं, उनकी फसल अपने खेतों में है, कोई गांव जाकर सब्जी को नहीं खरीद रहा है ना। दिक्कतें हैं और फिर 2 महीने के बाद खेती बाड़ी का समय आएगा। अगर ये ज़्यादा दिन रहा तो खेती बाड़ी में भी, एग्रीकल्चर में भी, कृषि में भी इसका असर होगा, जो बहुत ही पीड़ादायक हो जाएगा झारखंड के लिए। आपको जैसे पता ही है कि कोरोना वायरस की जो बीमारी है, जो पैंडेमिक है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये पहले कभी नहीं देखी गई ऐसी बीमारी, और एक्स्ट्रॉर्डनरी इसका इम्पैक्ट है अक्रॉस द ग्लोब एज ऑल्सो आपको पता ही है इंडिया में। जैसे हम बात कर रहे हैं, तकरीबन 13 लाख लोग इससे इन्फेक्टेड हैं ग्लोबली एंड मोर देन 74,000 डेथ्स हैव अकर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड हमको ये रियलाइजेशन अच्छी तरह हो गई है कि ये डेंजर जो है ये रियल है, इमिनेंट है और अनप्रेसिडेंटेड है। जैसे मैंने बताया, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ी क्विकली स्टेप्स लिए थे, पर हमने नेवी में भी उसके कॉन्सनेंस में कई स्टेप्स ले लिए थे। जैसे हमने रिक्रूटमेंट और स्टॉप किया था, ट्रेनिंग में थोड़ा सा चेंजेस लेके आए थे, हमने जो मूवमेंट्स और ट्रांसफर्स थे ऑफिसर्स एंड सेलर्स के बंद कर दिए। जो काम थे हमने मेनली फोकस किया था कि नेशनल सिक्योरिटी, हेल्थ सर्विसेज और एसेंशियल सर्विसेज पे जोर दिया जाए, और जो दूसरे टास्क जिसमें बहुत लोगों का इकट्ठा होना था वो हमने बंद कर दिया था। कल पता चला कि सफदरजंग हॉस्पिटल की 2 डॉक्टर्स को जब वो घर गई तो उनके इलाके के कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ये कह के कि वो कोरोना की का इलाज करती हैं और वो अपने इलाके में कोरोना फैला देंगी। इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि अब ये जो डॉक्टर्स और नर्सेज आज हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये लोग हमारी ज़िंदगी बचा रहे हैं। आज अगर डॉक्टर्स और नर्सेज काम करना बंद कर दें, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत हम लोगों के सामने खड़ी हो जाएगी।
डॉक्टर्स और नर्सेज एक तरह से दो तरफ से मार झेल रहे हैं। एक तो वो अपनी जान दांव पे लगा के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, कोरोना के मरीजों के बीच में रह के वो हमारे ही घर के लोगों का इलाज कर रहे हैं, हमारे ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों का इलाज कर रहे हैं, इससे उनको कोरोना हो सकता है। तो एक तो अपनी जान दांव पे लगा रखी है बेचारों ने, और दूसरा जब वो समाज में आते हैं तो उनको पीठ थपथपाने की बजाय, उनको शाबाशी देने की बजाय, उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय हम उनके साथ इस किस्म की हरकत करते हैं। हमारे समाज को क्या हो गया है? हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज सुबह मेरी एलजी साहब की मीटिंग थी सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ, उसमें पुलिस कमिश्नर साहब भी मौजूद थे, तो ये साफ साफ कहा गया कि ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने, जिस व्यक्ति ने इन दोनों डॉक्टर्स के साथ बदतमीज़ी की थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज मैं कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं उन लोगों को जो किसी भी डॉक्टर या नर्स के साथ बदतमीज़ी करेंगे, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस सख्त से सख्त सज़ा दिलवा के रहेंगे ऐसे लोगों को जो इतनी इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी इस तरह की गंदी हरकतें करते हैं। समस्या हो गई, समस्या साहब जी हो रही कि ना अपना फसल कट रही है श्रीमान, छः महीना में से वैस हुआ भी ना तो सूख चलूगा माल, अब जे फसल आई सोना मशीनें मिलती है। क्या हम लोग किनको अभी तक दे रहे हैं और एससीक्यू का मतलब क्या है, थोड़ा समझा पाएंगे? ये दवा जो है किसी को देना अनिवार्य नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो भी कर रहे हैं इससे बीमारी लगने से कम हो सकता है क्या, ये देखने के लिए डॉक्टर लोग और सिम्टम एक हद पेशेंट के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनमें ये देख रहे हैं। जब तक उसके कोई रिजल्ट्स नहीं आते ये किसी को हम ऐसे ही नहीं देने के लिए तैयार होंगे। और सर क्या हम ये मान सकते हैं कि जो स्थिति भारत में है वो स्टेज 3 कहलाने लायक है? वो तो बार बार आप पूछ रहे हैं, उनको तो मालूम है, वो तो कितनी बार वो ही बोलेंगे, वो अभी नहीं है ऐसे।
कोई नहीं तो ऐसे ही करा उन्हें।